करके अपने चावल चढ़ा दी ना रखी ना। बताया जाता है जो दो लोग दे दिए थे वो दोनों लोग भी वापस होते हैं, सुदामा लौट करके जब आते हैं तो देखा है जहाँ झोपड़ी पड़ी हुई थी वहाँ और सुंदर सुदामापुरी का निर्माण श्याम सुंदर ने किया है। भामिनी नीचे उतर के आती है, अट्टा से सुदामा का हाथ पकड़ करके ले जाती। आइए अब देखते हैं आगे। कथा का सातवां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, ये मैंने कथा है 5 मिनट की, अगर ये कथा नहीं सुनी तो कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। परीक्षित जी इधर आ जाइए, एक पुष्प में दो, जो पुष्प है कोई आ जाओ। यज्ञपति जी तुम वही बैठे रहो, तुम वही रहा, फिर तो झोला भरे भरता कपड़ ना हो पकड़ो। गंगा की तरफ मुंह करोगे, गंगा किधर है? गंगा इधर नहीं है, हम जता हूं मैं। देखो ध्यान देना मेरी बातों पर परीक्षित जी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सातवां दिन है, कथा का अंतिम समय है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी मरने का डर भरा हुआ है? बोले बिल्कुल भरा है। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, ये बताओ, एक किराएदार है, एक मकान में किराए पे रहता है, वो मकान मालिक रोजाना कहता है तो मकान को खाली करते, वो किराएदार खाली नहीं करता, बताओ गलती किसकी है? सुखदेव जी ने सोचा नहीं, बोले तो किराएदार की गलती है, जब मकान मालिक खाली करवा रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तो सुखदेव जी बोले, तेरी बहुत बड़ी गलती है परीक्षित जी। अरे वो मकान मालिक इस मकान को खाली करवा रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सातवां दिन आ चुका है, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने हाथी को उछाल के फेंक दिया, दिन तक हाथी लौट के नहीं आ पाया। परीक्षित जी नाक से बोल गए, अरे कहा ऐसे योद्धा हो ही नहीं सकते। परीक्षित जी की केवल नाक कच्ची रह गई थी, पूरा शरीर पक चुका था, पूरा शरीर पवित्र हो चुका था,
नाक अच्छी रह गई थी। मेरे भागवत के प्रेमी परीक्षित उठ के चले हैं, आगे बढ़े तो देखा है तक्षक, वही तक्षक सुंदर सा पुष्प बना है, और जैसे ही पुष्प को देखा तो परीक्षित जी ने पुष्प को उठाया, उसकी सुगंध लेने के लिए नर्तक तक जब ले गए तो हुआ ये।